मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माय डियर मॉम्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आप उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। कुछ बेसिक बातों को जानकर आप अपने अंदर फुल प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देंगे, तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है पेरेंट्स हेल्प, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप चाहे तो उसको अभी सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है जब आप माँ बने और एक नन्ना सा मेहमान आपके जीवन में आए तो उससे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मेरे चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुंचते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूं कि हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, और आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि कम्प्लीट प्रेगनेंसी में आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे साथ साथ आप सभी जानते हैं एक नन्हे से जान का विकास हो रहा होता है हमारे अंदर, तो उसे भी सारे पोषक तत्व, खून, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, रक्त की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये सब निर्भर करता है हमारी डाइट पर, ठीक है। तो हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कितना हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, ठीक है। हमारे डॉक्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमें यही सलाह देते हैं कि अच्छा खान पान रखिए, अच्छी डाइट रखिए ताकि हीमोग्लोबिन कम ना हो। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा आपकी प्रेगनेंसी में तो आपके बेबी की डिलीवरी होने में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आपका बच्चा वीक हो सकता है और आपको भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपके अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। तो आपके अंदर 9 ग्राम प्रति डेसीलीटर से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक आपके अंदर ब्लड होना चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अगर इसके ज़्यादा नीचे गिर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट आपका जो ट्रिमेस्टर होता है उसमें इतने हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी, आगे आपके बच्चे का विकास होगा, तो आपको ज़्यादा आपके अंदर हीमोग्लोबिन की आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप ठीक से खान पान नहीं रखोगे तो आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है या बहुत ज़्यादा है या एक मीडियम है, कैसे जानेंगी? देखिए, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी बॉडी उसका आराम से आपको बता देगी। कैसे? आपके हाथ पैर, जो आपकी जो हथेलियाँ हैं, पाम है, ये आपको पीली नज़र आएंगी। आप इस तरीके से रब करके देखोगे तो ये एकदम रेड पड़ जाएंगे, और इस तरह से आप मुट्ठी मारोगे तब भी ये एकदम रेड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो आप इस तरह से मुट्ठी करोगे और चाहे रब करोगे लेकिन आपके हाथ में एकदम येलोपन, पीलापन आपको दिखाई देगा। आपकी जो जो यहाँ पर जो आईज़ के नीचे, अंडर आईज़, यहाँ पर आपको गड्ढे से नज़र आएंगे, मीन्स आँखें आपकी धसी धसी सी नज़र आएंगी। आँखों का कलर आपका जो होगा पीला होगा, ठीक है। हाथ पैरों का कलर भी आपका पीला नज़र आएगा। आपको ऐसे चक्कर जैसे महसूस होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान या फिर चक्कर जैसा आपको आपकी प्रेगनेंसी में आपको महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ों से आप आराम से पहचान सकते हो कि आपके अंदर वाकई में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो आपको सही डाइट क्या लेनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जितना फ्रेश ऑक्सीजन लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आप सुबह सुबह की हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज हैं वो आप करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके व्यायाम करें। हल्का फुल्का एक्सरसाइज आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी, ये भी आपकी हीमोग्लोबिन के लिए बेटर रहेगा। फ्रेश ऑक्सीजन जितनी बॉडी में जाएगी उतना ही अच्छा हीमोग्लोबिन आपके अंदर बना रहेगा। तो ये आप ये ध्यान रखें कि फर्स्ट स्टेप जितनी फ्रेश ऑक्सीजन, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और व्यायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम बात करते हैं कि जितना हो सकता है आप लिक्विड लें, तरल पदार्थ लें, उससे भी आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहेगा। तीसरा, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका पूरा चेकअप करते हैं। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो डॉक्टर आपको आयरन्स,
विटामिन्स, फॉलिक एसिड्स, जिंक, इन सब की टैबलेट्स या सीरप देते हैं। तो जो भी डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट्स या सीरप वगैरह आपको दे रहे हैं, तो आप वो कंटिन्यू अपने प्रेगनेंसी में रखें, अवॉइड ना करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये खाते पीते हैं तो हमें वॉमिट हो जाती है, लेकिन आपको कैसे भी करके डॉक्टर द्वारा जो भी आपको टैबलेट्स या सिरप दी हुई है उसको आप कंप्लीट करें, उसको डेली रेगुलर पिए, तो जिससे आपके अंदर आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी है वो आपका सही बना रहेगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता है आप ड्राई फ्रूट्स लें। ड्राई फ्रूट्स में पर्टिकुलर कुछ आप ले सकते हैं, जैसे किशमिश है, अखरोट है और मुनक्का है। ये आपके, क्योंकि मुनक्का काफ़ी गर्म होता है और प्रेगनेंसी में, तो मुनक्के को बड़ी सावधानी से आपको खाना है, एक या दो से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, और उसके अंदर के बीज निकाल कर ही आप मुनक्का खाएं। ये आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ध्यान रखें, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अवॉइड कर दें, उसके बाद आप इसको खा सकते हैं, एक दो या तीन, इससे ज़्यादा ना खाएँ, क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है मुनक्के। इसके अलावा आप जो मैं आपको फ्रूट्स बता रही हूँ, जैसे आपका अनार है, आपका एप्पल है, ये दोनों आप अगर आप खाओगे तो आपको एनीमिया या खून की या हीमोग्लोबिन की बिल्कुल आपको कमी नहीं होगी। आप अनार डेली खाइए, सेब आप डेली खाइए, इनसे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आप कच्चा केला खा सकते हैं, कच्चा केला भी बहुत ज़्यादा आपकी हीमोग्लोबिन या आयरन इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये आपकी कब्ज की भी समस्या दूर करेगा। तो अगर आप हीमोग्लोबिन का स्तर ऊँचा करना चाहती हैं तो आप कच्चा केला खा सकती हैं, ये भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा और हमें डॉक्टर क्या बोलते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, आपने सुना होगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां हमारे प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आप बीन्स खाइए, बीन्स में आप फलियां, जितनी भी फलीदार सब्जियां हैं वो खाइए, उनसे आपको विटामिन B12 और आपको फोलेट भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो आप ये खाइए। साथ ही साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियों में आप पालक खा सकते हैं, जो भी आप आराम से खा सकते हो वो आप ज़रूर खाइए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़रूर प्रीफर करिए, जिसमें ब्रोकली है, आपका शलजम है, चुकंदर है, ये आप ज़रूर सलाद में जैसे भी आप खा सकते हो, जूस पी सकते हो तो जूस में भी आप इनको पी सकते हो, तो लेकिन आपको ये ज़रूर खाना। हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर सप्लीमेंट आहार भी ले सकते हैं। ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और अच्छे हीमोग्लोबिन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको आप ज़रूर लें। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमें फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और अच्छे हीमोग्लोबिन के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सकता है अंकुरित आप जो भी चने हैं, अंकुरित चने खाइए, अंकुरित दाल खाइए, ये आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी नहीं होने देंगे, साथ ही साथ आपके हीमोग्लोबिन को भी अच्छा बनाएंगे। काले चने तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, तो आप काले चने ज़रूर खा सकती हैं, ठीक है। एवोकाडो फ्रूट्स है, वो भी आपकी अच्छी प्रेगनेंसी, अच्छे हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्दी है, तो वो भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। तो माय डियर मॉम्स, ये सारी चीज़ें आपको अपने हेल्दी प्रेगनेंसी और अच्छे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, अगर आपके अंदर कम है तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप ये सारे जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर लें। हालांकि आप समझदार हैं और डॉक्टर से आपने ज़रूर पूछा होगा, डॉक्टर ने भी ये चीज़ बताई होगी, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक अच्छी गाइडलाइन दूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं, इनसे आपका हीमोग्लोबिन कभी भी डाउन नहीं होगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 से कम हो गया या 10 से कम हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। तो अगर चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो, क्योंकि उसको भी हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, जब आपका प्रेगनेंसी का लास्ट हफ्ता चल रहा होगा यानी लास्ट डेज में आपको हीमोग्लोबिन आपका स्तर कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है, तो आप ये शुरू से लेकर एंड तक बराबर खाते रहिए और प्रॉपर अपना रूटीन चेकअप कराइए, क्योंकि हीमोग्लोबिन के जो टेस्ट भी होते रहते हैं तो डॉक्टर बराबर चेक करते रहते हैं कि आपके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। तो ये बराबर आप अपने डॉक्टर को चेक कराइए, हीमोग्लोबिन को ज़रूर चेक कराइए कितना है कितना नहीं है। तो टाइम टू टाइम आप अगर कम भी है तो उस चीज़ को आप डिलीवरी से पहले रिकवर कर लें, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर प्रॉपर रूटीन चेकअप कराती रहें। तो माय डियर मॉम्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।